हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2021 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म डिगिंग टू डेथ। इसके राइटर और डायरेक्टर हैं माइकल पी ब्लेवेंस। ये काफ़ी लो बजट मूवी है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होगी और ये भी ऐसे ही खो जाएगी। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी आप सबको समझते जाओगे और इस बार आपको ही एंड प्रेडिक्ट करना है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है डेविड की, जिसका भी अभी डिवोर्स हुआ है, इसलिए उसे एक नए घर में शिफ्ट होना पड़ा। उसकी बेटी जेसिका उसकी हेल्प करने आई है और थोड़ी हिम्मत देने भी, क्योंकि डेविड का टाइम कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे क्योंकि सारे पैसे उसने इस घर को लेने में लगा दिए। वो दोनों घर को चेकआउट कर रहे थे तभी डेविड देखता है कि वहां क्लोजेट के अंदर एक और दरवाजा था जिसके नीचे थे $100 और दरवाजे पे थोड़ी मिट्टी भी लगी है। एक और अजीब बात यह है कि पुराने ओनर्स अपना काफी सामान वहीं छोड़ गए थे, जैसे कि फ्रिज, माइक्रोवेव वगैरह, जो कि काफी एक्सपेंसिव चीज हैं। अब वो दोनों डिनर करते हुए बातें कर रहे थे जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों को ही पैसों की जरूरत है। डेविड कहता है कि उसे जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा और उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। डिनर के बाद जैसिका अपने घर चली जाती है और डेविड आराम से सो जाता है। अगले दिन उसके घर आता है एलन, जो कि उसके बैकयार्ड को डेकोरेट करेगा। वो सब कुछ देखकर चला जाता है और इसके बाद वहां आता है डेविड का बेस्ट फ्रेंड मार्क। वो दोनों बातें करते हैं और उसके जाने के बाद डेविड लग जाता है काम पर। अपने यार्ड में उसे एक सेप्टिक टैंक की जगह बनानी थी। वो जमीन को खोद रहा था और तभी उसे कुछ मिलता है। वहां पर एक बड़ा सा बॉक्स दबा हुआ था जिसके अंदर थे ढेर सारे पैसे और एक डेड बॉडी, जिसे देखकर डेविड की हालत खराब हो गई थी। अब क्योंकि इस बॉक्स में पैसा भी था इसलिए चेक तो करना ही था। अच्छे से चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि वो सब असली नोट हैं। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्योंकि ये काफी बड़ा मैटर है। उसके बैकयार्ड में एक बॉडी दफन है ढेर सारे पैसों के साथ। उसका फर्ज तो यही बनता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, लेकिन पैसे का लालच उसे रोक रहा है। इसी लालच में वो खुद को समझा बुझाकर आराम से सो जाता है, लेकिन आधी रात को इसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसके घर में घूम रहा है। चेक करने पर उसे कोई भी नहीं मिलता। अगले दिन वो ऑफिस जाता है और आप देख सकते हो कि वो काम करता है माइंडक्रैश नाम की ऐप के लिए। ये नाम याद रखना, आगे काम आएगा। वो कई लोगों से एडवाइस लेता है पैसे को लेकर, लेकिन इनडायरेक्टली, जैसे कि वो पूछता है कि मेरे अंकल मिलियनेयर हैं और उनके मरने के बाद मुझे $2 मिलियन मिलेंगे, तो क्या उन्हें बैंक में जमा कराना चाहिए? और जवाब उसे मिलता है नहीं। अभी तक उसे पता भी नहीं था कि वो कैश कितना है, इसलिए घर जाकर वो उन्हें गिनता है और वो पूरे $3 मिलियन थे, उसकी उम्मीद से कई ज्यादा। उन पैसों को उस क्लोजेट में ही रख देता है जिसका सीक्रेट दरवाजा उसने अभी तक नहीं खोला। इसके बाद वो खुद को समझाता है कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, जैसा कि इंसान करता है। उसकी अच्छी साइड उसे अच्छी बातें कह रही थी, जबकि बुरी साइड कह रही थी कि सब ठीक है। जैसे कि अच्छी साइड कह रही थी कि जो बॉडी बाहर दफन है, क्या पता उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हों, तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए। और बुरी साइड कह रही थी कि इतना पैसा क्यों जाने दें, क्या पता वो कोई क्रिमिनल हो और अच्छा ही है कि वो दफन है। कुछ इस तरह फैसला करके वो फिर से चैन की नींद सो जाता है, लेकिन आधी रात को फिर से कोई उसके घर में घूम रहा था। वो जाकर चेक करता है और देखता है कि घर का बैक डोर खुला हुआ था। वो टेंशन में चाय पी रहा था कि तभी वहां से एक बिल्ली गुजरती है और डर के मारे उसके हाथ से कप छूट जाता है। अब दोबारा सोने से पहले वो जाकर उन पैसों को चेक करता है और वो एकदम सही सलामत थे। वो लाइट बंद करके जा ही रहा था कि तभी उसे दिखाई देता है वही डेड आदमी, जो कि लाइट ऑन करते ही गायब हो गया था। डेविड जाता है उस बॉक्स के पास और देखता है कि वो उसे कवर करना ही भूल गया था। वो उसे खोलकर देखता है तो बॉडी उसके अंदर ही थी और ऐसा लग नहीं रहा कि वो हिली होगी, लेकिन उसके जूतों पर मिट्टी थी। डेविड अच्छे से चेक करता है जिससे उसे कन्फर्म हो जाता है कि वो डेड है। अब इस सब की वजह से उसका दिमाग और ज्यादा खराब होता जा रहा था और वो अपने काम पर जरा भी ध्यान नहीं दे पा रहा, जिससे उसका बॉस भी नाखुश है और इसका मतलब कि उसका प्रमोशन भी अब खतरे में है। ये बात अलग है कि अब उसे प्रमोशन की जरूरत ही नहीं क्योंकि अब वो अपने बॉस से भी अमीर है। फिर भी ये बात उसे खाई जा रही थी क्योंकि वो उसे शेयर नहीं कर पा रहा और इसी वजह से उसे अच्छी सलाह भी नहीं मिल रही। अब घर जाकर वो देखता है कि वहां पैरों के निशान थे जो ऊपर जा रहे थे और वो उसके हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन उसे तो वो डेड बॉडी के ही लग रहे थे। तो वो फिर से कैश चेक करता है और वो एकदम वैसा ही था। अब टेंशन के मारे वो जैसिका को मिलने बुलाता है और वो उसे पैसों के बारे में बताने वाला था, लेकिन नहीं बता पाता क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि जैसिका अपना मुंह बंद रखेगी। अब रात को वो देखता है कि कोई उसके बैकयार्ड में घूम रहा है और यहाँ उसे लगता है कि उस बॉडी को वो पैसे वापस चाहिए, तभी वो भटक रही है, इसलिए वो पैसे को बैग में भरकर उसी बॉक्स में दफना देता है बॉडी के साथ और इस बार उस बॉक्स को पूरी तरह सील कर देता है ताकि पैसा और बॉडी दोनों अंदर रहें। अभी उसने कर तो दिया, लेकिन सवाल अभी भी कई सारे थे जिनके जवाब है शायद उस सिगरेट डोर के पीछे, इसलिए वो ट्राई करता है उस दरवाजे को खोलने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब वो जाकर खोलता है उसी बॉक्स को जिसे उसने पिछली रात ही सील किया था।
अब जाकर वो उस आदमी की जेब चेक करता है ताकि पता चल सके कि वो है कौन। उसकी जेब में एक पर्स था और चाबियां थी। पर्स तो खाली था लेकिन चाबियां उस दरवाजे की। इस तरह डेविड को उस आदमी का सपना आता है और आज तो उसने हेलो भी बोला। अगले दिन वो काम पर ना जाकर पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरास लगाता है उन्हीं पैसों से उसी आदमी को पकड़ने के लिए। इसके बाद उस दरवाजे को खोलता है जो कि उसे ले जाता है बेसमेंट में, जहाँ पर 5 डेड बॉडीज को रैप करके रखा हुआ था, जिनमें से एक तो छोटे बच्चे की है। ये देखकर तो वो चकरा गया था। यहाँ उसे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया, लेकिन अब भी वो पुलिस को कॉल नहीं करता क्योंकि पैसा अभी भी उसे प्यारा है। रात को जब वो सो रहा था तब सिक्योरिटी अलार्म बजता है और वो देखता है कि वो डेड बॉडी उसके रूम के बाहर ही खड़ी थी। वो जल्दी से उसे मारने जाता है लेकिन वो उसे अपने पीछे लगा लेती है। उसका पीछा करते हुए वो बैकडोर से बाहर निकलता है और तभी उसका पैर पड़ जाता है उसे टूटे हुए कप पर जो उससे गिरा था। फिर भी उस बॉस तक पहुंचता है और देखता है कि बॉडी तो वहीं पर थी, लेकिन अब तक उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो जिंदा है, जबकि ऐसा लग नहीं रहा। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते वो वहीं पर सो जाता है और अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को उसी डेड बॉडी के ऊपर पाता है। वो काफ़ी लेट हो गया था इसलिए जल्दी से नहा धोकर वो काम के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसे फिर से वही बॉडी चलती फिरती दिखाई देती है, और इस बार तो दिन में ही। वो जल्दी से उसके पास जाता है लेकिन तब तक वो बॉक्स के अंदर जा चुकी थी। अब डेविड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि ये सब सच में हो रहा है या फिर वो ही पागल हो रहा है। ये उसे जानना था इसलिए वो एक चेन सॉ लाता है और उस बॉडी के पैर ही काट देता है ताकि वो चल फिर ना सके। इसके बाद कुछ ऐसी हालत में वो ऑफिस पहुँचता है और आपको उसकी ऐप का नाम तो याद ही होगा, यही उसके साथ हो चुका है। डेविड के इस हाल की वजह से उसका बॉस उसे निकाल देता है और वैसे भी उसे जॉब की ज़रूरत ही क्या थी। अब कुछ ऐसी हालत में वो घर पहुंचता है और एलन वहाँ पहले ही मौजूद था। डेविड उस बॉस को बंद करना भूल गया था इसलिए एलन ने सब कुछ देख लिया। वो पुलिस को कॉल कर रहा था कि तभी डेविड उसके सर में हथौड़ा दे मारता है और तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। एक क्राइम को छुपाने के लिए अब इसे कई सारे क्राइम्स करने पड़ेंगे। उसकी बॉडी को रैप करके बेसमेंट में फेंक देता है। अब इस पॉइंट पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या होगा। यही वो टाइम है जब आपको बताना है कि एंड में क्या होगा। जल्दी से कमेंट्स में बता दो, एंड में देखेंगे किसने सही गैस किया। इसके बाद वो उस डेड बॉडी के साथ भी यही करता है और एलन के ट्रक को भी ठिकाने लगा देता है। यहाँ उसकी बैड साइड उसे फिर से समझाती है कि कैसे वो सबसे बच सकता है। अब उसके पास इतना पैसा है कि वो किसी आइलैंड पर ऐश की ज़िंदगी बिता सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा वो ये भी समझा रहा था कि एलन को मारकर उसने ठीक किया क्योंकि वो उसके पैसे चुराने आया था। बेसिकली यहाँ वो खुद को तसल्ली दे रहा है और यहीं से बात और ज़्यादा बिगड़ेगी। बीच में मार्क का भी फ़ोन आ रहा था जिसे वो आंसर नहीं करता। वो आराम से सो जाता है। तभी कुछ देर बाद सिक्योरिटी अलार्म बजता है और उसे फिर से वही डेड बॉडी दिखाई दे रही थी, जबकि असल में वो मार्क था जो कि उसे चेक करने आया था, और डेविड उसे मार देता है ये सोचकर कि वो आया है उसके पैसे लेने। इसका लालच इसे कहाँ से कहाँ ले आया। अब मार्क की बॉडी को भी वो बेसमेंट में डाल देता है। अगले दिन भी उसे ये चिंता खाई जा रही थी कि कोई उसके पैसे ले जाएगा, जबकि वो उसके है भी नहीं। वो पैसों के साथ काफ़ी अजीब चीज़ें कर रहा था, जैसे कि गेम खेलना, मूवीज़ देखना और बातें करना। बेस्ट फ्रेंड को मारने के बाद यही होगा। खैर ये दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन अगले दिन कोई उसके दरवाजे पर था और वो है जेसिका का बॉयफ्रेंड जैक। डेविड उसकी एक नहीं सुनता, वो सीधा उसे मार देता है और उसके बाद उसे शिफ्ट कर देता है बेसमेंट में, लेकिन अभी उसकी सांसें चल रही थी। जैक के पीछे जेसिका भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे तो वो मारेगा नहीं क्योंकि वो उसकी बेटी है ना। बिल्कुल गलत। इस वक्त पैसे के अलावा उसका कोई नहीं। वो उसे भी बेसमेंट में बांध देता है और उससे पूछता है कि बाकी लोग कब आएंगे, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि उसके ऊपर अटैक होगा। अब उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। ये इस मूवी का एंड है। वो जाकर अच्छे से कपड़े पहनता है और आई होप आपने ये पहले ही गैस कर लिया होगा। अब उन पैसों को ले जाकर उस बॉक्स में डाल देता है और अब वो खुद को उनके साथ ही अंदर बंद कर लेगा, बिल्कुल जैसे उस आदमी ने किया होगा। उसे भी ये पैसे मिले होंगे और ऐसे लालच में पागल होकर उसने भी 5 लोगों को मारा होगा जिसमें उसकी फैमिली भी थी, और अब ये रिपीट हो रहा है। यही आपको प्रिडिक्ट करना था। पैसे को अपने पास सेफ रखने का लास्ट ऑप्शन यही है कि उसके साथ दफन हो जाओ। कम से कम मरते दम तक तो वो साथ रहेगा ही, ये डर तो नहीं होगा कि पैसे कोई छीन लेगा। अब अगर आपने ये एंड प्रिडिक्ट कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है, आप हॉरर नॉलेज में काफ़ी आगे आ गए। लेकिन यहाँ पर वैसा होता नहीं दिख रहा। डेविड उन पैसों को आग लगा रहा है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन यह मूवी हमारे साथ बस खेल रही है क्योंकि एंड बिल्कुल वैसा ही होगा। वो पैसों को जला नहीं पाता इसलिए चुपचाप उनके साथ दफन हो जाता है। उधर जैक मर चुका था और जेसिका भी फ्री नहीं हो पाई, मोस्ट प्रोबेबली वो होगी भी नहीं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपने देखा कि मूवी इतनी खास भी नहीं थी, फिर भी काफ़ी अच्छी थी। इसमें सब कुछ आज की दुनिया का मेटाफोर था। कहते हैं कि पैसा इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया, फ्री का पैसा इंसान को अंधा, बहरा, गूंगा सब कुछ कर देता है।
अब डेविड की लाइफ में बचा ही क्या था, उसने तो अपनी लाइफ जी ली थी, इतने पैसे का वो क्या करता। उसे वो पैसे अपनी बेटी के काम में लाने चाहिए थे, लेकिन पैसे के आगे वो बेटी को ही भूल गया। असल में एंड आते आते सब कुछ ही बदल गया था। वो चाहता ही नहीं था कि पैसे खर्च हों, वो चाहता था कि जब तक वो जिंदा है तब तक ये पैसे बस उसके पास रहें। और इसी वजह से उसने खुद ही अपनी लाइफ कम कर ली और बाकियों की तो खत्म ही कर दी। पहले इस मूवी का टाइटल था व्हाट्स बैरिड इन द बैकयार्ड, लेकिन बाद में इसे चेंज किया गया क्योंकि अब वाला टाइटल ज़्यादा सही है। डेविड ने एग्जैक्टली वही किया। तो आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ कि आपने एंड गैस कर लिया होगा क्योंकि अब आप काफ़ी कुछ जान चुके हो। तो अब हम मिलेंगे हैलोवीन H2O की वीडियो में, जिसमें आपको कुछ रेफरेंसेस पकड़ने होंगे और वो भी आपके लिए एकदम ईजी होगा। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको रैप करके वीडियो तक ले आए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।